रहेगा आपके पसंदीदा शो में, जिसका नाम है चटपटे तड़का। अरे मोटू, इतने गौर से क्या देख रहे हो? अरे मैं एनी बडी कैन कुक प्रोग्राम देख रहा हूँ। मैंने बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाना सीख लिया है। अरे पतलू, तुमने बहुत कर लिया किचन पर राज, अब मैं बनूंगा किचन का सरताज। अरे मतलब क्या है तुम्हारा मतलब? अरे अरे नाराज मत हो, मतलब ये है कि तुमने बहुत खाना पका लिया, सूख कर काटा हुए जा रहे हो। आज से तुम खाओगे और मैं पकाऊंगा, देखा नहीं? Anybody can cook, Anybody can cook में मैं भी शामिल होने जा रहा हूँ। ठीक है मोटू, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। मैं अपने किचन के दर्दनाक सीन को नहीं देख सकता। पूरी नगर में भूकंप आ गया। बचाओ! ओए पतलू, तुम्हारे घर से इतनी आवाजें आ रही हैं और तुम बाहर खड़े हो? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं बॉक्सर भैया, वो आज क्या है ना कि मोटू खाना बना रहा है। क्या कहा? मोटू और खाना? मार सुटिया पापड़ वाले नो। पतलू, ये तुम्हारे घर के अंदर कैसा घमासान मचा हुआ है यार? उड़ी बाबा, लगता है मोटू का कोई सुताई कर रहा है। पर कौन? बॉक्सर भैया तो यहाँ खड़ा है। कोई नहीं सुताई कर रहा है, मोटू खुद किचन की लड़ाई कर रहा है। मोटू क्या बात है? ये कौन कर रहा है? सब रेडी। हेलो एवरीबॉडी, मीट माय सेल्फ मोटू द शेफ। मैंने आप सबके लिए आज अपने हाथों से लजीज खाना बनाया है। अब आप सबकी बारी है। एनीबॉडी कैन ईट। जो भी मेरा असली दोस्त होगा वो मेरा खाना जरूर खाएगा। ठीक है, अगर मेरे दोस्त मोटू ने खाना बनाया है तो मैं जरूर खाऊंगा, चाहे खाना कैसा भी बना हो। मोटू मेरे दोस्त, तुमने तो सच में बहुत ही टेस्टी लजीज यम्मी स्वादिष्ट खाना बनाया है। पुत्र मेरी यार, मेरे भाई, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? डॉक्टर झटका खाना खा कर तो देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। मोटू, तुम सच में मोटू द शेफ बन गया है। हम अपना 20 साल का तजुर्बा में इतना टेस्टी स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। पतलो, चलो चलकर देखते हैं कि बड़े बड़े 5-स्टार होटल का खाना कैसा होता है। ठीक है, चलते हैं। पतलू, मुझे तो इस सूप में कुछ कम ज्यादा लग रहा है। हे वेटर भैया। अरे तुम अपने शेफ की नजर से देख रहे हो, इसलिए शायद तुम्हें कमी लग रही है। मुझे तो सूप अच्छा लगा। हेलो सर, आपको मुझसे कुछ कहना है? देखो बड़े भैया, ये होटल तो बहुत अच्छा है, पर यहाँ आपके खाने में थोड़ी कमी है। ओके सर, अगर आपको कुछ कमी लगती है तो बताइए, हम उसमें जरूर इम्प्रूवमेंट करेंगे। इसमें थोड़ा नमक कम लग रहा है। ओ अच्छा। काली मिर्च भी कम है। बस बहुत हुआ। यू नो आई एम द बेस्ट शेफ ऑफ द सिटी। तुम मेरे खाने में गलती बता रहे हो,
अगर खुद को इतना बड़ा शेफ समझते हो तो मेरे से खाना बनाने का कंपटीशन करो, देखते हैं कौन अच्छा खाना बनाता है। हाँ, मैं कंपटीशन करूँगा और जीतूंगा भी। ठीक है ठीक है, तो आज डिनर बनाने का कंपटीशन मेरे और तुम्हारे बीच में होगा। भैया मैं मोटू, तुम ही जीतोगे। ऑल द बेस्ट 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 बेस्ट। मोटू मेरे भाई, मेरे यार, ऐसा खाना बनाना कि उसकी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल हो जाए यारी। ये कर दिया शानदार चॉप चॉप। अब क्या करूं? हाँ ये। ये खाना बना रहे हो या कॉमेडी शो कर रहे हो, है? जरा खुद को देखो तो। कॉमेडी शो के बाद जो खाना बनेगा ना, देखते ही तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हेलो सुनो, मैंने जो खाना 7-स्टार होटल से बना के लाने के लिए कहा था वो तैयार है क्या? सर पूरा खाना तैयार है, एक ट्रॉली में सजा कर रखा है, आप हमारी ट्रॉली में जाना। हमने उस हेड शेफ से किसी को बात करते सुना कि सीताराम, तो मोटू को ये बात मत बताना और हर वक्त हर समय उसके साथ रहना। हम बाहर उस रेडीमेड खाने वाले की ट्रॉली पर नजर रखते हैं। बस ये थोड़ा सा। स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ, तुम्हें कानून की कसम। चिंगम सर, भागते कहाँ हो यार? सॉरी सॉरी मैडम जी, सॉरी। तुम इसी रूम पे बंद रहोगे, बाहर निकले तो जेल में डाल दूंगा। ओहो, कहाँ चला गया ये शाम? अब मैं क्या करूँ? हो लगता है यही खाना टेस्ट करवाना होगा। खैर कोई बात नहीं, जज तो मेरे पापा ही हैं, वो मुझे ही जिताएंगे। पतलू खाना खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। दोस्तों मैं इस होटल का मालिक समीर सिन्हा हूँ। जब खबर मिली कि मेरे बेटे शेफ संजय का किसी से कुकिंग कंपटीशन हो रहा है तो मैं भी आ गया। इस कंपटीशन का जज मैं ही हूँ। ये तो मेरा बेटा है, इसने तो जैसा भी खाना बनाया हो जीतना तो इसको ही पड़ेगा। वाह 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 वाह, शेफ संजय का खाना बहुत टेस्टी है। आई एम श्योर इससे अच्छा खाना दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। फिर भी मैं मोटू का खाना टेस्ट कर ही लेता हूँ। ये ऊपर वाले इज्जत बचा ले। ओह कम ऑन पापा, आप जज हैं, आपको सिर्फ टेस्ट करना है। टेस्ट? अरे इसने जो बनाया है वो टेस्ट करके कोई रुक ही नहीं सकता। सॉरी संजय, तुम मेरे बेटे जरूर हो लेकिन मोटू का खाना इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये जो इस डिश में तुमने शुगर डाली है उससे इसके टेस्ट में 4 चांद लग गए हैं। तो दोस्तों इस कंपटीशन में जो फर्स्ट आया है वो है मोटू। थैंक यू सर।
संजय ने अपना खाना भी बदलने की कोशिश की। उसने सेवन स्टार से खाना मंगवाया था लेकिन मैंने बदलने नहीं दिया। ये तो बहुत बड़ी बेईमानी है। संजय मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। नहीं नहीं सर, मेरा मकसद किसी की नौकरी छीनना नहीं है। मैं अपने दोस्तों के साथ फुरफुरी नगर में ही खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। वाह मोटू वाह, तुम्हारा खाना ही नहीं दिल भी बहुत अच्छा है। थ्री चीयर्स फॉर मोटू द शेफ। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। थैंक यू थैंक यू।